राम राम यूट्यूब फैमिली। तो स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो यार मतलब आज दो न्यूज़ है, एक गुड न्यूज़ है एक है बैड न्यूज़। तो भाई बताओ पहले कौन सी न्यूज़ सुनाई जाए। बैड ही सुना तो बैड ही मैं कह रहा, तो बैड है तो बैड ही सुना। तो भाई बैड न्यूज़ ये है कि भाई पासपोर्ट के लिए मैंने इतने धक्के खाए, दो तीन वीडियो मेरी बन चुकी है ऑलरेडी, लेकिन पासपोर्ट अभी तक नहीं हुआ। इशू आ रहा है उसमें कुछ, एक मन करता है कि भाई कि छोड़ पासपोर्ट वासपोर्ट अपना इधर ही देख कुछ, लेकिन फिर वही है सपने। बचपन से अभी तक मेरा मतलब पढ़ाई में कभी इंटरेस्ट नहीं रहा कि हाँ भी पढ़ाई करके कुछ आगे जाऊँ या कुछ करूँ। हमेशा ये लगा कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कभी भगवान की कृपा से मतलब फैमिली की तरफ से कभी कोई दिक्कत नहीं आई। फैमिली वाले भी फुल सपोर्ट करते हैं इस चीज़ के लिए कि घूम फिर अपना एंजॉय कर, लेकिन बिगड़ मत। और ये सच की बात है कि मेरे को मेरे यार दोस्त भी ऐसे मिले हैं, कोई ऐब नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता, सब खुश मिजाज है, अपना साथ देने वाले सारे ही हैं। उस हिसाब से अब मैं अपना घूम फिर भी बहुत ले आऊँ, लेकिन मेरा एक दिल से इच्छा थी कि हाँ भी आउट ऑफ कंट्री जाने की, लेकिन अब वो आउट ऑफ कंट्री कैसे जाया जाए उसके लिए भाई मतलब इतने साल का हो गया मैं आज, अब जाके हो सा है कि हाँ भी पासपोर्ट भी बनाना ज़रूरी होता है, ये हुआ है। लेकिन मेरे डॉक्यूमेंट में कुछ इशू आ रहा है, कभी क्या ज़िंदगी में ही इशू है सच में यार, मतलब कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा। सोचा था कि हाँ भी जाऊंगा बाहर, मुझे लगा सब कुछ ईजिली हो जाएगा, वैसे प्रोसेस सारी सही हो रखी थी, लेकिन अब दिल्ली जाना पड़ेगा। अब दिल्ली जाके भी पता नहीं क्या कहेंगे पासपोर्ट ऑफिस में, कौन से डॉक्यूमेंट में इशू। वो ये दिखा रहा है कि आपका वेरिफिकेशन में, पुलिस वेरिफिकेशन में अटका। आज मैं पलवल में भी गया था, वहाँ कोर्ट में भी गया था, लेकिन वो भी यही कह रहे हैं कि आपको दिल्ली जाना पड़ेगा और दिल्ली में ही आपके वो बताएंगे, क्योंकि यहाँ से हमने सारा क्लियर कर दूंगा। अब यहाँ से क्लियर हो गया, और एक तो ये पासपोर्ट वालों का नंबर भी नहीं मिलता, कस्टमर केयर पर कॉल करो इंगेज या कोई बैल जाएगी, कोई पिक नहीं करता, पता नहीं कैसी सर्विस है यहाँ पर, बहुत ही घटिया सर्विस है। अब देखो यार क्या होता है, अब एक दिन निकाल के दिल्ली भी जाना पड़ेगा, दिल्ली जाके होगा अब आगे का। और बाकी भाई दूसरी गुड न्यूज़ हमारे जीतू भाई लाए हैं मेरे लिए। मेरा फ़ोन एक्चुअली ख़राब हो गया था, उसमें OTG सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो मेरे भाई से देखा नहीं गया मेरा भाई मेरे लिए गिफ्ट ले आया फ़ोन, सरप्राइजिंग। तो ये मेरे लिए वीवो V20 प्रो फ़ोन लेके आया है। अरे वाह वाह भाई वाह, कैसी अनबॉक्सिंग, मतलब अनबॉक्सिंग करने का तरीका ही डिफरेंट है इसका। भाई ये थी कुछ अनोखी एंड डिफरेंट अनबॉक्सिंग। ये इसके साथ लीड भी आई है, इसमें लीड का जैक नहीं है क्या? अरे सी टाइप है, इसमें लीड लगाने लीड आई है, लेकिन नहीं है। कोठी में बनवा दूँ चंडीगढ़ शहर में छोड़ी। तो भाई अब जी तो भाई हमारे अनबॉक्सिंग कर चुके हैं ताबड़तोड़ फाड़ फाड़। यार लेकिन सच में मन सा नहीं लग रहा बिल्कुल भी कि भाई इतने चक्कर लगने के बावजूद भी पासपोर्ट नहीं आया, इतनी कोशिशें करने के बावजूद भी नहीं आया। मतलब कहते हैं किसी चीज़ को अगर दिल से करो ना, सच में उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन लास्ट में फल मिलता है। अब मुझे पता नहीं वो फल कब तक मिलेगा, भगवान जाने क्या होगा, लेकिन बहुत दुखी हो गया यार। एक टेंशन सी बन गई है कि हाँ भी मैंने ये सोचा था सिस्टर की शादी हो जाएगी उसके बाद अपना निकल लेंगे, लेकिन लग नहीं रहा, देखते हैं भाई क्या होता है। तो दोस्तों ये था इसका रिव्यू, मुझे तो रिव्यू देना नहीं आता क्योंकि मैं टेक्निकल क्रूजी तो हूँ नहीं,
बाकी फ़ोन अच्छा है भाई, कॉस्टली भी है काफ़ी, इसका इंश्योरेंस भी करवाया है इसलिए मुझे ये 34,000 तक का पड़ गया। बाकी कॉस्टली तो है थोड़ी सी, लेकिन अब है तो है, क्या कर सकते हैं। वीवो के फ़ोन मैंने यूज़ तो करे नहीं है, बाकी आप इसे भी चेक करके देखते कैसा लगता है। बाकी कैमरा वैमरा बहुत बढ़िया है इसका, और ब्लॉगिंग में भी आई थिंक मैं थोड़े बहुत इसे यूज़ करूँ, थोड़ा बहुत GoPro को यूज़ करूँ, दोनों से ही ब्लॉगिंग करा करूँगा। इसकी बैटरी बहुत कम चलती है GoPro, इसलिए मैं कैमरा भी यूज़ करूँगा, जहाँ पे GoPro ना ले जा पाऊँ वहाँ पे कैमरा भी यूज़ करूँगा। बाकी देखते हैं कैसा होता है क्या होता है। तो अब इसकी सेटिंग वगैरह कर दी है जी, तूने डाटा वगैरह भी सब कुछ ट्रांसफ़र कर दिया है, तो इसका लुक दिखाता हूँ आपको कैसा है। इसमें एक लीड का जैक नहीं है, बाकी तो सब कुछ ओके है। तो दिखने में भाई इतना बढ़िया लग रहा है फ़ोन, बिल्कुल ही कैंसल, चलाने में भी स्मूथिंग है। हाइब्रिड जूम वगैरह पता नहीं क्या क्या है अब ये फीचर, भाई बाद में खोल के पता पड़ेगी। बाकी ये है फ़ोन, तो दोस्तों अब मेरे फोन आने की खुशी में हमने बनाया है क्या जिदर जी, तो अपने लिए तो भाई मैं तो बना रहा हूँ पिज्जा, ठीक है आपको दिखाता हूँ पिज्जा। तो हमने अब पिज्जा बना चुके हैं और हम खाने के लिए हो गए रेडी। आर यू रेडी शिवा? तो भाई अब इसकी करते हैं ओपनिंग। वाह, इट्स सो डिलीशियस। मतलब इसमें मैंने चीज वगैरह हर चीज बढ़िया तरीके से डेकोरेट करी है ना बेबी, ना ऐसा नहीं बोलना, इसके घर वाले भी देखते हैं इसे तो मतलब बहुत बढ़िया तरीके से बनाई है, और ये मेरे फोन के आने की खुशी में है जिसके पैसे मैं दे रहा हूँ, लेकिन सॉरी जिसे बनाया मैंने है लेकिन पैसे ये दे रहा, ये ठीक है। कैसे लग रहा है आपको मेरे फोन आने की खुशी में? आप पार्टी दे रहे हो जकास, एक दोस्त ने फोन दिया दूसरे ने पार्टी, पार्टी बताओ ऐसे दोस्त कहाँ मिलेंगे। चिल्ली फ्लेक्स वगैरह डालो इसमें, करो इसे